वंदे मातरम। दोस्तों मैं हूं ओमपाल प्रसाद, जीएनएन न्यूज में आपका स्वागत है। जैसा कि हर बड़ी छोटी खबर से हम आपको रूबरू कराते आए हैं, वैसे ही आज हम आपको एक ऐसी हस्ती से मुलाकात कराने जा रहे हैं जो कि हमारे देश के क्रांतिवीर और सूरवीर शहीद आजम चंद्रशेखर आजाद जी ने जो संगठन शुरू किया था, हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी यानी कि एचआरए संगठन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके भतीजे श्री पंडित सुजीत आजाद जी, उपाध्यक्ष हैं श्री अमित आजाद जी, आज उनके राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी महेश त्यागी जी से हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं, जो बताएंगे कि इस देश में किस तरीके से वो अच्छाई लाना चाह रहे हैं। महेश जी स्वागत है आपका जीएनएन न्यूज में। वंदे मातरम। महेश जी आप बताएंगे कि किस तरीके से आचार्य संगठन को आप आगे बढ़ा रहे हैं और कैसे आप देश में एक नई ऊर्जा लाना चाहते हैं। हमारे देश को करीब 70 साल से ज़्यादा आज़ाद हुए होंगे, मगर आज़ादी का जो लोगों ने कुर्बानी दी, इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानी दी कि वो जवानी उन्होंने अपनी कुर्बान कर दी, मगर उसका फायदा देश की जनता को उस रूप से नहीं पहुंचा जो देना चाहते थे। क्योंकि हमारे जो सिस्टम है, इस सिस्टम में इतनी कमियां हैं कि हमें जो चीज़ जो इंसाफ चाहिए वो हमें तुरंत नहीं मिलता, वो या तो ज़बरदस्त लोगों को मिलता है जिनकी पालो पावरफुल लोग हैं, जो गरीब लोग हैं जिनकी कोई जानकारी नहीं है या वो पैसे वाले भी उनकी जानकारी नहीं है तो उनको भी क्या करें, वो निर्णय नहीं मिलता, उनके साथ भी क्या करें जी जातियाँ होती हैं। तो मैं अपना इसमें आने का सौभाग्य समझता था। मैं सोचता था कई बार जब मेरे बुजुर्ग मुझे कहानी सुनाते थे कि चंद्रशेखर आज़ाद ने ये किया, सुभाष चंद्र बोस ने ये किया, तो मेरा मन था कि मैं भी उस टाइम पर होता तो मैं भी इस देश के लिए कुछ करता लगता। और जब मेरी सुरजीत जी से मुलाकात हुई तो मैं पहली मुलाकात में ही इनका दीवाना हो गया और मैंने मन बना लिया कि मैं इसमें काम करूँगा तन मन और धन से। और मेरी करीब 56 साल की उम्र है, मैं अपनी सब जिम्मेदारी से मुक्त हूँ, बेटों की शादी कर दी है, पोती पोते हैं और मैं पूरे बाबूजी की शादी करके पूरे 24 घंटे का टाइम इसमें लगा रहा हूँ। सिर्फ इसलिए लगा रहा हूँ कि जिन लोगों के साथ जातियाँ हो रही, जिनको इंसाफ नहीं मिल पा रहा उनको इंसाफ मिले। क्या माने कि हमारे देश में इस समय बुराइयों का तो खेल भंडार है, बहुत सारी बुराइयाँ हैं, बहुत सारे भ्रष्टाचार हैं, बहुत सारे गलत कार्य भी हो रहे हैं, देखो कुछ अच्छे कार्य भी हो रहे हैं जी। सर देश में क्या आपको ऐसी बुराइयाँ नजर आती हैं, सबसे पहले ऐसी कौन सी दृष्टिकोण है आपकी जहां सिर्फ उन बुराइयों को पहले हटाने की इच्छा है? मैं जमीन से जुड़ा हुआ आदमी हूं, तो इसलिए मुझे ये आभास है और मैंने ये देखा है कि गांव में अगर कोई कत्ल होता है वो जमीन के ऊपर होता है, तो जमीन का कत्ल करवाने में जो हाथ होता है वो क्षेत्रीय पटवारी का होता है, वो सही नहीं नापता और इससे पैसे ले लेता, उसे रद्दनाप का मर्डर होते चले जाते हैं, फिर उन मर्डरों से लोग डकैत बन जाते हैं। ये बुराई सरकारी महकमे के अंदर मैं इसे दूर करानी चाहता हूँ। इसके अलावा आपको और क्या क्या बुराइयाँ नजर आती हैं? मैंने ये देखा है सिस्टम में कि जो लोगों को हमने सिस्टम में बैठा रखा है वो लोग उस सिस्टम में नौकरी नहीं कर रहा है, वो सिस्टम को अपना अधिकार समझकर उससे जितनी ज़्यादा से ज़्यादा वसूली कर सकता है उससे वो वसूल रहा है। मेरे पास कई मिसालें हैं, ऐसी ऐसी मिसालें हैं कि आप पे एक स्टाम्प की वो बना दी कि आपने स्टाम्प कम लगाया है और आपकी रिकवरी पहुंचा दी उसमें तहसील में वसूल करने के लिए, और वो वसूली आपसे पैसे वसूलने के लिए है और आपने अगर उनको पैसे दे दिए तो आपकी वसूली उल्टी हुई। ये लोगों को मैंने एडीएम को करते देखा है। ये बात आ जाती है एक जमींदार की, एक प्रॉपर्टी वाले की जी, जिसके साथ ये हादसे होते हैं जी, जिनके लिए आपने ये बुराइयां नोट की हैं जी, उस तबके के लिए आपने क्या सोचा है जिसके पास सुबह खाने के बाद शाम का निवाला नहीं होता और शाम को खाने के बाद सुबह का निवाला नहीं होता? मैंने ऐसा देखा है, अगर किसी गरीब बच्ची के साथ कोई हादसा हो जाता है तो थानों में रिपोर्टें नहीं लिखी जाती। मेरे पे इसकी भी मिसालें हैं, ततारपुर गाँव मेरे पास है, एक 14 साल की लड़की के साथ 28 साल के लड़के ने बलात्कार किया
और उसको उसने वो आदमी चिल्लाता रहा और एसपी के पास हम लोग सब गए इकट्ठे हो गए तो उन्होंने कहा राजनीति बंद और बाहर निकलिए और नहीं तो उसके बाप को डांटा उसने कि तुझे उल्टा ही इस बलात्कार बंद करा दूंगा और उस लड़के को छेड़खानी केस में जेल में दिया। ये काम मैंने दलितों के साथ देखा होता। यहाँ दलित की मैंने बात नहीं की, शायद आपने नोट नहीं किया। गरीब आदमी की बात बता रहा हूँ। मैंने बात आपके सामने रखी है कि जो सुबह निवाला खाते हैं और शाम का पता नहीं होता, और जो लोग शाम का निवाला खाते हैं उन्हें सुबह का पता नहीं होता, ऐसे हमारे भारत देश में 40% लोग हैं, उनके बारे में क्या सोच है आपकी? उनके बारे में मेरी ये सोच है, उनके उत्थान के लिए मेरी सोच है कि वो लोग ईमानदारी से मेहनत करें और अपने सही रास्ते को चुन के आगे बढ़ें। और मेहनत और ईमानदारी एक ऐसा रास्ता है जो आदमी आगे बढ़ सकता है। जिनके पास खाने का निवाला नहीं है दोस्त, वो तो पहले ही ईमानदार हैं, वो कहां से लाएंगे? अधिकतर मैं आपको एक बात बताने चाहता हूं, अधिकतर लोग जिन्होंने तरक्की की है उनके पास या उनके किसी पूर्वज के पास निवाला खाने के लिए नहीं था। आज वो बहुत बड़ी सशक्त बन गए हैं सिर्फ मेहनत और ईमानदारी और अच्छे लोगों के पास बैठने उठने से। अच्छे लोगों के पास बैठोगे, अच्छी बातें लाओगे। और अगर मैं अगर आप ये सोचें कि उनको कोई धन दे दिया जाए, तो मेरे पास वो मिसाल भी है, अपने परिवार में भी है, और मैं देख भी रहा हूँ। अगर आप अपने परिवार में एक बच्चे को जो उसके मुंह से निकले उसको आप वो चीज दिला दो। महेश जी, आप हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हैं जी। इस उद्देश्य से मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इतना बड़ा नाम आपको मिला है शहीद आजम चंद्रशेखर आजाद जी के भतीजे जी, श्री पंडित सुजीत आजाद जी के संगठन में आपको इतनी बड़ी पोस्ट मिली है, सबसे पहले शुरुआत आप हिंदुस्तान के लोगों के लिए कहां से करेंगे? मैं हिंदुस्तान के सबसे पहले शुरुआत जो करूंगा उसके न्याय के लिए और उसके रोजगार के लिए और उसको अच्छे विचार देने के लिए। सबसे बड़ी बात यह आ जाती है कि भाई आज उन शूरवीरों को याद करते हुए मेरे तो रोए खड़े हो जाते हैं और भारत देश की बात जहां आती है तो मैं गदगद हो जाता हूं। और आज हमारे GNN स्टूडियो में पंडित सुजीत आजाद जी, जो के शहीद आजम चंद्रशेखर आजाद जी के भतीजे हैं, और इससे पहले हम आपको मिलवा चुके हैं श्री अमित आजाद जी से, जो के सुजीत आजाद जी के बेटे हैं और आज हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी महेश त्यागी जी से हमारी वार्तालाप जारी है। और ये चाहते हैं कि देश को एक अच्छे रास्ते पर ले जाया जाए, और वहीं मैं इनके पास फिर से आ रहा हूं दोबारा इसी बात को लेकर कि हमारे देश में कथाकथित लोग बहुत सारे हैं, मंच पर बहुत बड़ी बातें करने वाले भी हैं, चेहरे पर बोलता कुछ है इंसान, करता पीछे कुछ है, और इतना बड़ा झंडा इनको मिला हुआ है जिस छाते के नीचे हैं ये, आज ये चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं उन पीड़ित लोगों के लिए जो आर्थिक रूप से बहुत परेशान हैं उनके लिए इनसे रास्ता खोजने की कोशिश कर रहा हूं, और फिलहाल मैं चाहूंगा कि ये बताएं ताकि देश के ये निवासी ऐसी संस्था को गर्व से नमन कर सकें और जय हिंद करके उनको सलाम कर सकें। मैं सर आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो लोग हमारे गरीब भाई हैं उनके उत्थान के लिए सबसे पहली बात है मेहनत, और मेहनत तो एक रिक्शे वाला भी करता है, वो सिर्फ दो टाइम की रोटी ही जुटा पाता है, मगर वो जब शाम को उसके साथ पौवा पीता है वो गलत है। वो वह पौवे को रोके और एक घंटा रिक्शा फालतू चला ले और उस पैसे को जोड़े सही जगह लगावे तो आदमी आगे बढ़ सकता है, जो मैंने अपने जीवन में और अच्छे लोगों के जीवन में देखा है। इस पर आप क्या करेंगे ये बताएं मुझे आप। मैं तो अपने विचार ही दे सकता हूँ, प्रेरणा ही दे सकता हूँ। मैं अगर अपना सब कुछ भी बेच, जो मेरे पास जितना भी है मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, अगर हिंदुस्तान के सारे गरीबों की एक भला हो जाए। अगर हर देश का नागरिक, हर क्रांतिवीर ये सोचता कि मैं अपना बेच कर देश का भला कर दूं, तो मैं विचार दे सकता हूँ उसको। अगर हर देश का नागरिक, हर क्रांतिवीर अगर अपने सब कुछ बेचकर इस देश का भला करता तो शायद इस देश का भला ना हो पाता, मेरे ख्याल से नहीं हो पाता। तो मैं आपसे वो प्रेरणा चाह रहा हूँ कि केवल बातें नहीं, आप उनको करके क्या दिखाने वाले हैं, उन चीजों को सामने लाएं। मैं तो उनके लिए अच्छे विचार और मेहनत, अच्छे लोगों के साथ संपर्क में रहना, बुरी कुरीतियों को सबको दूर कर दें अपने से, और अपने मेहनत करें, और मेहनत करके जो चीज फ्री में मिलती हो उसके चक्कर ना लगें, जो चीज संघर्ष से मिलती हो उसे प्राप्त करें। तो दर्शकों, हमारे साथ है महेश त्यागी जी, जो कि मीडिया प्रभारी हैं राष्ट्रीय,
हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी के, इनका कहना है कि आप मेहनत करें ईमानदारी से और अपना घर चलाएं, और ये आपको प्रेरणा देना चाहेंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, नमस्कार।